देश भर में निजीकरण को लेकर बैंक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दो दिवसीय धरना प्रदर्शन की बात कही गई थी, जिसका आज दूसरा दिन है और कल के मुकाबले आज ये आंदोलन और भी तेज होता नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। कल के मुकाबले यहाँ पर बैंक कर्मचारी और भी बढ़ गए हैं, इस वक्त मौजूद हैं इंडियन बैंक में, जहाँ पर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। और इनका कहना ये भी है कि कल से तो बैंक खोल दिए जाएंगे, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो फिर हम सब मिलकर संसद का घेराव करेंगे। तो आइए चलते हैं और इन्हीं कर्मचारियों से बातचीत करके जानते हैं। दो दिन के इसकी हड़ताल की बात की गई थी, आज दूसरा दिन है, तो अब आगे की क्या रणनीति है, क्या होने वाला है आगे की? आज की डेट तक ये रणनीति कि हमारी आवाज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाई जाए और पहुँच जाए। वो इस चीज़ को समझें कि वी आर दी बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। आज से नहीं, पिछले 100 सालों से हम बने हुए हैं। 100 और कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनको ये प्राइवेट के बारे में सोचें, मोर देन 100 ईयर दे आर सर्विंग फॉर द नेशन। पिछले पास्ट 5 सालों का ये आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई हुई है, वी हैव सर्व्ड टिल द ग्रास रूट लेवल, फ्रॉम जनधन खाता टू एवरी सिटीजन हैज़ बीन बेनिफिटेड। जो कि प्राइवेट होने के बाद वो नहीं रहेगा, जो कि बेनिफिट हमें मिनिमम बैलेंस 500 रुपीज़ है वो 5,000 पे बदल जाएगा। क्या एक आदमी जो नॉर्मल वर्किंग लेवल है, जिसका जो 6,000 रुपये महीने कमाता है, क्या वो इतने मेंटेन कर पाएगा? मोर देन 70% ऑफ द पीपल्स जो कि नेशन के हैं वो बहुत ही गरीब हैं, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। उनके पास कोई भी ऐसी सुख सुविधा नहीं, दे आर नॉट सैलरीड। हमारा ये है कि अगर ये तुम घर की तिजोरी को बेच दोगे, घर का जो मेन मुखिया है, जो घर का इंस्टीट्यूशन है, जो इतने दिन से बैकबोन बना हुआ, उनको बेच दोगे, घर की चीज़ें बेच के कभी घर का विकास नहीं होता है। मैम, जब तक सरकार अपना ये डिसीजन वापस नहीं लेती है, हम इसी तरह से हड़ताल पे रहेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इंडेफिनेट स्ट्राइक भी करेंगे। मैम, सरकार क्यों नहीं समझ रही है कि हम लोग छोटे से छोटे लोगों को यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं? हमारा मोटिव खाली प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, हम लोग एक छोटे से छोटे वर्ग के लोगों के साथ जुड़े हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी बैंकिंग सर्विसेज सब तक पहुँचे। आज रूरल एरिया में आप देख लीजिए और जगह आप देख लीजिए, आज हम लोग हर जगह सर्व कर रहे हैं। क्या मैम प्राइवेट बैंक हर जगह सर्व करता है? उनका तो मेन इंटेंशन प्रॉफिट मोटिव है। लाखों से लेकर करोड़ों कस्टमर्स हमसे जुड़े हुए हैं, वो इस वजह से ही जुड़े हुए हैं क्योंकि हम उनको कम कॉस्ट में सर्विसेज दे रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं मैम आपके माध्यम से सरकार हमारी इस प्रॉब्लम को समझे, वो प्राइवेटाइजेशन के अपने इस डिसीजन को वापस ले। और हम लोग भी मैम, आप सोचिए, हम लोग अपना ऑफिस का काम काज छोड़ के दो दिन आज यहाँ हम लोग इस सड़क पे उतर रहे हैं, हमारी सैलरी कट रही है दो दिन की, हम आज यहाँ पर है। तो हम आपके माध्यम से बस सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, हम सबकी अपील है कि आप दूसरे तरीके अपनाइए। अगर आपको इकनॉमी को आगे बढ़ाना है, और भी तरीके हैं, प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन, आप और चीज़ें देखिए। सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो संसद को घेरने का भी सुनने में आ रहा है। मैडम, अभी हमारे बहुत सारे साथी जो हैं दिल्ली में जंतर मंतर पे विरोध कर रहे हैं, जो सरकार की रणनीति है प्राइवेटाइजेशन के प्रति। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, सरकार नहीं मानती, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अपने डिसीजन को वापस नहीं लेती हैं कि भविष्य में वो दो बैंकों को और प्राइवेटाइज करने जा रही हैं, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे, संसद को घेरेंगे, प्रधानमंत्री जी से अपनी बात पहुँचाएंगे। तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, क्योंकि ये हड़ताल हमारे लिए नहीं है, ये हमारे हड़ताल देश के लिए। लोगों ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, पर बैंक जो देश की अर्थव्यवस्था संभालता है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की उन्होंने तैयारी कर ली है। तो धीरे धीरे करके देश की संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। सर, जैसे अभी ये साल आंदोलन का साल बन चुका है, हर तरफ आंदोलन ही चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों के आंदोलन से कोई बात बनेगी? हमें लगता है बिल्कुल बनेगी। यहाँ पर ज़रूरत है सबकी यूनिटी की, अगर सब लोग एक साथ आएँ तो इनको बात सुनना पड़ेगी। अभी इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ कॉरपोरेट पर ध्यान दे रहे हैं, इनको बस पैसा चाहिए, कैसे भी करके पैसा ले ले, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो उसके लिए सब कुछ बेच दे रहे हैं, जबकि किसी चीज़ को बेचना कोई हल नहीं होता है। एक्चुअली मैडम, ये क्या ना आपदा में अवसर की बात है, वरना IDBI को तो ये कोरोना से पहले बेच चुके थे, अब इनको बहाना मिल गया है बेचने का, इसलिए ये कहा जा रहा है कि हम घाटे में हैं इसलिए हम बेचे जा रहे हैं। धरना अभी 2 दिन की पहली स्ट्राइक है, इसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे अनिश्चितकालीन और आगे और भी कार्रवाई की जाएगी USBU द्वारा। क्या कल बैंक खुलेंगे? हाँ, कल बैंक खुलेंगे, लगातार जनता को तकलीफ ना हो इसके लिए कल बैंक खुलेंगे। अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो उसके आगे UFBU जो हमारी संगठन है उसके आगे की कार्रवाई तय करेगा। तो देखा आपने, इन लोगों का कहना यही है कि आंदोलन तो जारी रहेगा, कल बैंक खुलेंगे, लेकिन अगर कुछ समय के अंदर हमारी बात नहीं मानी गई तो संसद का भी घेराव होगा और हम अपना प्रस्ताव प्रधानमंत्री के पास स्वयं लेकर जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।